हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फूड मैजिक विद पिंकू प्रीति। आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी मिष्ठी दोई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बंगाली स्वीट है, एक तरह से बंगाली दही होती है ये, और बहुत ही टेस्टी सोंधी, बिल्कुल पेड़े जैसी ये दही होगी, जो सोंधा पेड़ा होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी के लिए चलते हैं हम। सबसे पहले हमने ले लिया है एक छन्नी, और उसके ऊपर ये जो है मसलिन क्लॉथ, और इसमें हाफ कप दही डाल दिया। इसका एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल लेना है, जो पानी इसमें जो है दही में एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल लेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है आसानी से जल्दी से पानी हमारा निकल जाए, एक वेट रख देंगे इसके ऊपर। ये छोटा सा हमने वेट रख दिया। और अब चलते हैं शुगर जो है चीनी को कैरामलाइज करने के लिए। इसके लिए हमने आधा कप चीनी ले लिया पैन में, और इसको हम जो है कैरामलाइज कर लेंगे। और चीनी में पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे चलाएंगे, और जैसे जैसे हीट मिलेगा ये चीनी पिघलती जाएगी और पिघल के एक शुगर सिरप बन जाएगा बिना किसी पानी के। इसमें हम फ्लेम लो ही रखेंगे, लो टू मीडियम, हाई बिल्कुल ना रखें, नहीं तो हमारी शुगर जो है बर्न्ट हो जाएगी। और देखिए काफ़ी जो है हमारी शुगर पिघल गई है, और अभी 2 से 3 मिनट में चीनी बिल्कुल भी पिघल जाएगी। और ये देखिए चीनी पिघल गई है और कैरामलाइज होने लगी है, लेकिन इसे अभी 2 से 3 मिनट तक और कैरामलाइज होना देना है हमें। जब जो है चीनी का ये सिरप ब्राउन होने लगेगा तो उस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए ये जो है शुगर हमारी कैरामलाइज हो गई, अब हम जो है फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा जो है दूध डालेंगे। दूध हमने 1 लीटर लिया है, लेकिन पूरे दूध को एक साथ ना डाल करके हम बारी बारी से जो है नॉर्मल दूध डालेंगे। गर्म दूध डालेंगे तो छींटे ज़्यादा जो है उठेंगे, और इस स्टेज पर बहुत संभल करके दूध डालें, नहीं तो आपके ऊपर भी आ सकता है। और इस तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम मिलाते जाएंगे, और पूरा 1 लीटर दूध जो है मिक्स करते हुए हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप जो है कम क्वांटिटी में जमाना चाहते हैं तो उस इसी रेशियो में जो है आप अपने दूध की क्वांटिटी को और चीनी के क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। ये मैंने 1 लीटर में टोटल 1 कप चीनी यूज किया है, 1/2 कप हम कैरामलाइज होने में डाल देंगे और 1/2 कप हम बाद में जो है डालेंगे। और देखिए दूध जो है हमारा सारा जो है ऐड हो गया है, और जब ये बॉयल होने लगेगा तो उस स्टेज पर हम 1/2 कप अपना रिमेनिंग शुगर ऐड कर देंगे। और ये दूध जो है हम लो फ्लेम पर कर देंगे, और इसे गाढ़ा होने तक स्लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक कुक होने देंगे। देखिए इसका दूध का कलर जो है कितना बढ़िया, और ये देखने में ही लग रहा है कि हमारी दही जो है बिल्कुल सोंधी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए तब तक जो है, जब तक दूध हमारा पक रहा है, हम इस दही को देख लेते हैं। दही देखिए हमारी बहुत ही जल्दी जो है इस तरीके से निकल आई है हंकर। अगर हम टांगते तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता, लेकिन इस तरह से वेट रख देने से काफ़ी जल्दी जो है हमारा एक्सेस पानी निकल आया है। और इसको अब हम क्रीम कर लेंगे इस तरह से फेट करके। और देखिए हमारा दूध जो है कुछ जो है रिड्यूस हो गया है, लेकिन इसे हम 10 मिनट तक और कुक करेंगे, और इसके बाद में हम इसे बंद कर देंगे फ्लेम, और करीब 35 डिग्री टेम्परेचर होने तक जो है हम वेट करेंगे। मींस आप फिंगर जो है टच करें दूध में, आपकी उंगली जले नहीं लेकिन दूध जो है ल्यूकवर्म रहे, इतना टेम्परेचर होना चाहिए आइडियल कर्ड जो है सेट होने तक, तभी जो है इसके लैक्टोबैसिलस जो है अच्छे से ग्रो होते हैं और दही हमारी बहुत ही अच्छी जो है सेट होती है। और अब जो है दूध में हमारे ठंडे होने पर मलाई पड़ गई थी, तो ये हमारी जो दही बिल्कुल क्रीमी बने इसके लिए हमने मोटे वाले छन्ने से जो है पूरे दूध को छान लिया है। और अब जो है हम अपने दही और इस जो है कैरामलाइज्ड मिल्क को अच्छे से विस्क कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि दही के चंक्स जो है ज़्यादा हैं, तो आप इस पूरे जो है मिल्क को मिक्सचर को दोबारा से छान सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारी दही बिल्कुल क्रीमी सेट होगी और उसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं होंगे, और दही हमारी बहुत ही परफेक्ट जमेगी क्रीमी सी। तो ये लीजिए बिल्कुल क्रीमी सी जो है हमारी मिष्ठी दोई बनाने के लिए रेडी है मिल्क ये। और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, हमारे पास ये 3 जो है कुल्हड़ हैं, क्ले पॉट जो है इस तरीके से जो है जिसमें चाय पी जाती है, या जो है इसमें दही भी बहुत सोधी लगती है, ये परफेक्ट होती है मिष्ठी दोई के लिए।
और आप चाहें तो चौड़े मुंह का भी बर्तन ले सकते हैं। अगर आपके पास जो है कुल्हड़ ना हो तो आप नॉर्मल भी पॉट में इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो सर्विंग बोल्स में जो है ले सकते हैं, जितना सर्विंग साइज है उसमें सेट करने के लिए रख दें, नहीं तो एक साथ भी कर सकते हैं। और अब देखिए मैंने इस तरीके से जो है तीन जो है हमारे पास कुल्हड़ मिट्टी के थे इसमें हमने डाल दिया है, और बाकी जो रिमेनिंग हमारा मिल्क है वो हम इसी पॉट में रहने देंगे। आप चाहें तो अलग अलग छोटे छोटे पॉट्स में भी डाल सकते हैं। और अब हम इस जो है दही को सेट होने के लिए रख देंगे ओवरनाइट, और या 10 घंटे के लिए करीब इसको किसी गर्म जगह पर रखेंगे। आप जो है माइक्रोवेव या जो है किसी भी जगह पर गर्म जगह में रख दें, गर्मियों में तो आसानी से जम जाता है, लेकिन अगर विंटर्स में बना रहे हैं तो मेक श्योर कि जहाँ भी रखें वहाँ गर्म जगह हो, नहीं तो इसको टॉवेल या किसी जो है गर्म कपड़े से लपेट सकते हैं, ऊपर नीचे इसको रैप कर देंगे तो गर्मी मेंटेन रहेगी और दही हमारी बहुत ही अच्छी सेट होगी। देखिए ये हमने नेक्स्ट डे ओपन किया है और मिष्ठी दही हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। हम इसको ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट जैसा बिल्कुल ठीक अंदर और बाहर जो है दोनों ही रहने के लिए हम इसे जो है बेक कर देंगे 10 मिनट के लिए। वापस इसे हम कवर करते हैं और जो है हम एक सेटअप बनाएंगे, इसको 10 मिनट तक हम बेक करेंगे। इसके लिए हमने ले लिया है एक कढ़ाई और इस पर हमने एक रिंग रख दिया और उस पर ही अपना पॉट रख देंगे, और इसको जो है एक बर्तन से ढक करके 10 मिनट तक केवल जो है हम बेक होने देंगे। और उससे होगा क्या कि हमारी दही बिल्कुल ही सेट हो जाएगी, अंदर भी टाइट होगी और बाहर भी, और इसको नॉर्मल होने देंगे और फिर हम जो है कम से कम एक घंटे तक फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी दही बिल्कुल ठंडी हो जाए। और ठंडी ठंडी जो है ये मिष्ठी दही बहुत ही टेस्टी होगी। ये जो है बंगाली दही या स्वीट बंगाली स्वीट बहुत ही टेस्टी होती है। सोदी जो ऐसे ब्राउन वाला पेड़ा होता है ना, ये ऑलमोस्ट वैसे ही जो है पेड़े जैसी दही लगेगी, बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा जो है बिल्कुल थिक जो है क्रीमी सा जो है दही सेट हुआ है मिष्ठी दोई। तो वेट ना करिए, इस मिष्ठी दोई को आप जरूर बनाएं और बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।